मिले आज हमें बहुत दिनों के बाद। मुश्किल होता है। अच्छा, नई फिटिंग करनी आसान होती है लेकिन पुरानी फिटिंग में बहुत मुश्किल। कहाँ है इसकी मदर? मम्मी की हिंदी है ना। अच्छा, आ नहीं रही, इसको लगी है भूख। आपने ये वीडियो देखी कि नहीं देखी है? आप जाके ये वीडियो देखें। और ये देख, दो दिन से जो किचन में पानी है वो आ नहीं पा रहा था, बाहर कनेक्शन जैसे मैंने कोई दिखाया था वो लगाया हुआ था। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे काफी मौसम ठंडा हो गया हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है और फिलहाल अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, तो जिसकी वजह से अभी हम थोड़े जागे तो सुबह से थे लेकिन अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि बाहर चलते हैं। और पापा हमारे चले गए हैं बाहर। जैसे कि आपको पता है कल का हमारा आधा दूरा काम रह गया हुआ पाइप फिटिंग करने का। कल भी हमने की थी लेकिन अभी वो हो नहीं पाई थी, तो आज हमने वो काम करना है। और मम्मी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ टेंटेड है, मम्मी से मिलवाते हैं आपको। मम्मा यहाँ पे कुछ देख रहे हैं सुबह सुबह। वाह, मम्मा क्या देख रहे हो आप? वीडियो देख रही हूँ। वीडियो कौन सी वाली? कौन सी वाली? अच्छा, बनाई थी कल वाली वीडियो। कल वाली गाइस, आपने ये वीडियो देखी कि नहीं देखी है? आप जाके ये वीडियो देखें। और ये देखिए मम्मा भी देख रहे हैं हमारे, तो आप भी देखें। मम्मा कैसा लगी आपको? बहुत अच्छी है, अभी देख रही हूँ मैं। अच्छी है। अच्छा, अच्छी बनी हुई है। बहुत अच्छी है। और मौसम आज कैसा है? बारिश का है और क्या, अभी बाहर सुबह तो लग रही थी बारिश, मतलब बारिश हो रही है। कल क्या है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदा बांदी है। तीन चार दिन हो गए इसको। जब तैयारी करता आने की बारिश का, वो आंधी तूफान चलता था, फिर नहीं आती। बाहर का मौसम देखिए अब कैसा है, कैसे अभी बादल हो रखे हुए हैं। सुबह सुबह बारिश हुई थी, नीचे पूरा गीला है। और मैं आपका यूवी व्लॉग्स यहाँ पर, और पूरी ऐसे धुंध पड़ी हुई है बाहर, मतलब मजा तो है। जैकेट मैंने पहनी हुई है, आप सोच रहे होंगे कौन से सीजन चल रहे हैं। जैकेट पहन के मैं घूमता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को जैकेट पहन के। अभी ठंड है तो जैकेट पहनता हूँ, गर्मी होती तभी पहनता हूँ वो, इसीलिए धूप से बचने के लिए और सर्दी में ठंड से बचने के लिए, ठीक है। और देखिए बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा है अभी। और इसी बीच में पापा ने वहाँ पे पाइपें निकाल के रखी हुई हैं, ये देखिए, ये पापा ने पाइपें निकाली हुई हैं। तो बस चलते हैं, पापा हमारे आई थिंक पीछे चले गए हुए हैं, वहाँ चलते हैं और करते हैं पाइपों का काम पहले जल्दी जल्दी। तो बाहर तो कुछ ज़्यादा ही चिकड़ हो गई है। अरे यार ये क्या, शिट 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 मैन, पाँव पूरे भर गए मेरे तो, यहाँ पे चप्पल पहनने का काम नहीं। तो गाइस देखा अभी आपने, मिट्टी इतनी यहाँ पे ज़्यादा है कि मैं चप्पल पहन के आया हूँ लेकिन पाँव पूरे गंदे हो गए हैं। यहाँ पे शूज़ ही पहनने पड़ते हैं प्लास्टिक वाले, फिलहाल तो मैंने पहने नहीं, गलती कर दी। लेकिन चलो अब चलते हैं आगे, जहाँ पापा गए हुए हैं। मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया हुआ है। मैं हूँ पीछे जहाँ पे पापा पाइप ठीक कर रहे हैं पानी की। और ये देखिए हमारे रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं रोज़ के, कितने ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। और पापा यहाँ पे हमारे पानी की जो पाइप है उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये देखिए, दो दिन से जो किचन में पानी है वो आ नहीं पा रहा था, बाहर कनेक्शन जैसे मैंने कोई दिखाया था वो लगाया हुआ था। और बस आज हम वो ठीक करने के लिए आया हूँ मैं भी यहाँ पे, और थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसको देखिए पापा भी कर रहे हैं, ये पाइप यहाँ पे लग रही है, ठीक है, ये पाइप हमें जोड़नी है। तो वैसे वो चीज़ कर रहे हैं अभी हम, देखिए बाकी यहाँ से देखिए कितने पेड़ यहाँ पे, जो हमारे अखरोट का पेड़ है और नाशपाती का पेड़ है, ये वाला अखरोट का। तो अभी क्या करना है इसको, देखिए इसको, ये टी लग रही है ना अभी, ये निकल रही है, लगाना है। अच्छा देखिए गाइस अभी ये लग रहा है, अभी जो वो वाली पाइप है उसको भी जोड़ना है यहाँ पर, और फिर एक पाइप सीधी रहेगी एक उस तरफ रहेगी। कर रहे हैं पाइप जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए आप, देखिए इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसर नहीं, वाशर। ये रिड्यूसर, ये निकल। अच्छा ये ने। अच्छा जुगाड़ करना पड़ता है ना, आगे पौन इंच की पाइप है। अच्छा, सप्लाई की आधी इंच की आ रही थी, जोड़ना पड़ता है। और एक ही साइज की पाइप बहुत है तो आसानी होती है। यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ रहा है अभी। Let's go.
हम कर रहे हैं काम, तो ये हमने यहाँ का काम जो है खत्म कर लिया हुआ। बड़ी मुश्किल आई हमें यहाँ पे काम करते करते, पापा जी पूछ लेते हैं कितनी मुश्किल आई है। तो चलो पापा आप बताओ कैसा है आपका एक्सपीरियंस, मुश्किल आई? मुश्किल आ गई हमें इसको फिट करते हुए। अच्छा, क्योंकि पुराना जो रिपेयरिंग वर्क होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, नई फिटिंग करनी आसान होती है, लेकिन पुरानी फिटिंग में बहुत मुश्किल आ जाती है। लाइन मटर नहीं मिलती है बराबर, चूड़ियाँ चढ़ती हैं। तो अभी फिलहाल हो गया वो यहाँ पे, तो ये हो गया, अभी आगे वाला करना बाकी है, आगे थोड़ा सा काम है। अच्छा, चलो तो फाइनली गाइस यहाँ पे ये काम हो गया फिनिश हमारा, और लेकिन अभी आगे भी है पाइप जोड़नी है, अभी आगे भी चलते हैं, वो भी फिनिश करते हैं, उसके बाद ये पाइपों का काम खत्म होगा। जैसे पापा ने बताया कि पुराना काम बहुत खतरनाक होता है। फिलहाल अभी धूप निकली तो नहीं है, लेकिन बारिश बंद हो गई है, तो अच्छा अच्छा लग रहा है। तो अभी बस जा रहे हैं हम आगे की तरफ, जहाँ पाइप और फिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या, बड़ा टाइम लगा यार पाइप ठीक करने, कर दिया मैंने पाइप ठीक, भी बड़ा टाइम लगा दिया है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। वही है ना, चूड़ियाँ काटनी है, फिर उसको तो पहले निकालना बड़ी मुश्किल से, अभी निकाल दी फिलहाल हमने, लगा दी पाइप वगैरह, चूड़ियाँ टूट जाती हैं, बहुत टाइम लग गया लेकिन। हाँ, बड़ा टाइम लग गया। एक बिल्ली का बच्चा मिला हुआ अभी जाते जाते, और ये देखिए कितना छोटा सा है, वाह भाभी इसको पिला रहे हैं दूध सिंच के साथ, इनके भी छोटा सा, तो उसकी वो कहाँ है इसकी मदर? मम्मी के इनके ही है ना। अच्छा, आ नहीं रही इसको लगी है भूख। छोटा सा ये कहाँ से मिला है, किसको मिला ये, नितिन को? कहाँ पर? हाँ एक ही है, देखिए गाइस कितना प्यारा है ये छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, तो पी रहा है दूध की है। पिया इसने। अच्छा गाइस देखा भी आपने कि हमें एक छोटा बिल्ली का बच्चा मिला हुआ है, और अब देखते हैं उसको हम दूध पिला रहे हैं, क्योंकि उसकी मदर जो है वो पता नहीं कहीं चले गई है नहीं यहाँ पे, तो हम कर रहे हैं थोड़ी सी इसकी हेल्प वगैरह। बताओ कैसा लग रहा है इसको देख कर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसे है, अच्छी है? अच्छी। अच्छा चलो ठीक है। टाइगर हाँ छोटा सा ना भाई। अभी मैं गढ़ भी जा रहा हूँ अपने जंगल में पीछे वाले एरिया में, जहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, और देखने जा रहा हूँ कि रोड कहाँ तक किस तरीके से पहुंचा हुआ है। बाकी सब भी वहाँ पे गए हुए हैं और मैं गया नहीं था, तो मैं चलो मैं भी दिखाता हूँ कैसा वहाँ पे चल रहा है काम, और दिखाते हैं आपको भी रोड किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि ये आ गया था, बारिश वगैरह थी काफी ज्यादा, बर्फबारी हुई थी, तो जिसकी वजह से रोड खराब हो गया था, तो अभी रोड का काम लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से फिर घर तक रोड, घर तक गाड़ी पहुंच पाएगी। तो एक बार जा रहा हूँ मैं, आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये पूरा रोड अभी थोड़ा ठीक कर दिया हुआ है, पहले यहाँ से पूरे मिट्टी नीचे गिरी हुई थी वाली, ये देखिए इस तरीके से है, अब आई थिंक थोड़ा अच्छा बन जाए। देखिए जेसीबी हमारी लगी हुई है काम पे, अभी धड़ाधड़ किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, जेसीबी का पूरा रोड का काम हो रहा है यहाँ पे अभी, और ये जेसीबी लगी हुई है मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, और रोड काफी खराब हो गया था, जैसे कि मैंने बताया कि बर्फबारी बारिश वगैरह थी जिस वजह से पूरा रोड खराब हो गया था, लेकिन अभी जेसीबी लगी हुई है, और जो कि अब रोड हमारा ठीक हो जाएगा और गाड़ी घर तक पहुंच जाएगी, स्कूटी मेरी घर तक पहुंच जाएगी। तो बाकी ये देखिए कैसा नज़ारा, अभी हम आपको दिखाएंगे जेसीबी में कौन है बैठे हुए भैया हमारे बैठे हुए हैं, देखिए भैया हमारे मिले आज हमें बहुत दिनों के बाद, तो इन्हीं की जेसीबी है, तो हम बैठे हुए हम भी गाड़ी में यहाँ पे भैया के साथ, और देखते हैं जेसीबी कैसा मजा आता है, आज गाड़ी में बैठे हैं हम भी और ले रहे हैं मजे रोड बनाने के, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ में। हमारे पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो भैया भी हैं, तो चल रही है भैया, आप हमें कुछ बताओ जेसीबी का कैसा मजा आता है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया, अच्छा काम काज का ठीक है, तो देखिए गाइस आप कितना ही मजा है इधर, बाकी पूरी जेसीबी है यहाँ पे, स्टेरिंग वगैरह है इस तरफ से भी, बैठे हुए हम यहाँ पे अभी, लेकिन गर्मी सी लग रही है ना, मैंने फैन कर दिया ऑन, देखिए आप ये देखिए सर्दी का मौसम ना ठीक होता है, जैसे कि सर्दी में गर्मी से धूप पड़ती है, अभी बाहर हो गई बारिश स्टार्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर मौसम कैसा हो गया एकदम से, ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो गया हुआ है। बुरनो चौधरी तू नहीं, ये देखिए गाइस बाहर का मौसम देखिए कैसा हो गया हुआ, बिल्कुल बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी पड़ रहे हैं,
तो बारिश अभी काफी स्टार्ट हो गई है बाहर, ज्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी बूंदेबांदी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम ठंडा हो गया हुआ है। तो चलो चाय वगैरह बना लेते हैं, चलते हैं किचन में तो चाय वगैरह पीते हैं सर्दी के मौसम में। और गाइस हमारे जो व्यूअर्स हैं आप मुझे बताएं, जो भद्रवाह से कहीं दूर रहते हैं तो आपके वहाँ पे कैसा मौसम है कमेंट करके बताया मेरे को। फिलहाल यहाँ पे तो भद्रवाह में बारिश वगैरह हो रही है। तो बाकी किचन में सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मम्मी हमारे रोटी बना रहे हैं तो मैं बनाता हूँ चाय। बारिश हो गई तो अब क्या करें, क्या करना अभी, पीछे ऐसे बारिश को थोड़ा कोई बार या मौसम ये गर्मी की बारिश है, गर्मी की बारिश बोलो बच्चे तू, इसमें ठंड नहीं होती। अच्छा मैंने तो लेकिन जैकेट पहनी हुई है, मुझे तो ठंड लगती है। हमारी गिलासी में चाय और सामने का व्यू कुछ ऐसे, चीयर्स, चाय पी लो। देख लिया हल्की मतलब बूंदाबांदी लगी हुई है अभी भी, हम चाय लेके यहाँ पे हमारी, यहाँ पे सामने का व्यू कुछ ऐसा।